Hello students, welcome to MSS Teachers. In this video we will solve question number 11 of exercise 10.2. Question number 11 hai, prove that parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Ek circle hai with center O, isko ek parallelogram mein circumscribe kiya hua, means charo side se uske upar circumscribe kiya hua hai. So we have to prove that jo parallelogram hai, that is rhombus. अब पैरेललोग्राम की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, बट रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है. अब हमें प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड्स क्या है, इक्वल है. तो सबसे पहले हम नोट करते हैं गिवन क्या है हमें. गिवन है हमें ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ circumscribing by a parallelogram A B C D. ये circumscribe किया हुआ है parallelogram में, A B C D जो parallelogram है. So अगर ये parallelogram है, that means A B equal to क्या हो गया C D and B C equal to क्या हो गया A D. ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी. प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी. इसकी चारों साइड्स इक्वल आनी, मीन्स इसको रोमबस प्रूफ करना है. इसको क्या करना है, रोमबस, कि ये रोमबस है. सो लेट्स प्रूफ इट, प्रूफ देखते हैं इसका. अब आप यहां पर चेक करो, हमने इसके ये क्या है, टेंजेंट है इसकी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी क्यू आर एस क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है. अब पी क्यू आर एस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये इसके हो गए एक्सटर्नल पॉइंट ए बी सी डी. अब यहां पर आप देखोगे तो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये इसके पॉइंट हो गए एक्सटर्नल पॉइंट ए बी सी डी. अब एक्सटर्नल पॉइंट से यहां पर एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, तो ये क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम 10.2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम same external point are equal in length. Same external point से अगर two tangent draw हो रहे हैं तो that will be the equal in the length. So अब यहाँ पर AP, ये A पहले A लेते हैं, A को external point है, तो A से AP एक tangent हो गई और AS एक tangent हो गई. So AP equal to AS, इसको दे दिया हमने इक्वेशन वन. अब BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ. अब यहां पर आप देखो CR इक्वल टू क्या हो गया, CQ, CR इक्वल टू CQ, ये नंबर तीन. अब DR इक्वल टू DS, डी आर इक्वल टू डी एस नंबर फोर. यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कि बीपी बी एस ले लिया तो दूसरी जगह क्या ले लेंगे, बी क्यू बी पी. इनको पॉइंट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि एपी और डीपी, एपी और डीपी मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी. सो हमें ये इस तरीके से सिक्वेंस में लिखने हैं, और सी आर और डी आर मिलकर क्या बनाएंगे, डी सी. और DS और DS और AS मिलकर क्या बनाएंगे, AD. सो इस तरीके से हमको इनको सीक्वेंस में लिखना है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है. सो नाउ एडिंग 1 2 3 4, इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे. सो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो AB BP क्या है, AB AP BP क्या है, AB
CRDR क्या है? AD. CRDR क्या है? AD. नहीं, sorry, CRDR. CRDR है CD. CR और DR क्या है? CD. Equal to. अब BQ और CQ. BQ, CQ क्या है? CD. या फिर BC प्लस AS और DS, ADS क्या बना रहे? AD, ASDS क्या बना रहे? AD. अब यहां पर आप चेक करो, हमें ऑलरेडी गिवन है, ये क्या गिवन है? AB इक्वल टू CD, तो AB इक्वल टू CD, सो रिप्लेसिंग वैल्यू रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, तो AB की जगह पर CD पुट किया, तो CD प्लस CD इक्वल टू AD प्लस AD, ये क्या हो गया? 2CD इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास निकल के आ गया AD इक्वल टू CD, AD किसके इक्वल है? CD के, AD इक्वल टू CD, ये लाइनें इक्वल आ गई, ये हमें ऑलरेडी गिवन थे, सिमिलरली अब यहां पर इनको प्रूव कर देंगे इक्वल, सो सिमिलरली AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC, क्यों? क्योंकि हम यहां पे क्या करेंगे, CD की जगह पे AB पुट कर देंगे और AD की जगह पर BC पुट कर देंगे, तो AB किसके इक्वल आ जाएगा? BC के, सिमिलरली AB इक्वल टू BC, हेंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AD इक्वल टू CD, ये सारी AB BC CD AD ये सारी साइड क्या आ गई? इक्वल आ गई, तो parallelogram is a rhombus, ये given parallelogram है, ये क्या है? rhombus है, यही हमें इसमें प्रूव करना था, तो hence proved. So this guys, this was the question number 11 of exercise 10.2. In next video we will solve question number 12. Students, if you like my videos, please subscribe my channel. मैंने already chapter number 10 solve करके upload कर दिया है, playlist में जाके आप देखोगे तो chapter 12 की playlist में आप वहाँ से पूरा chapter solve देख सकते हो, 12.1, 12.2, 12.3 and अभी chapter 10 है, उसकी video upload हो जाएंगी in upcoming days, और next days में next few December end तक I will upload all the chapters of class 10. Class 10 के सारे chapter December end तक upload हो जाएंगे and I will try to upload class 9th as well. So thank you for watching, thank you for supporting, thank you, bye bye.